जिसको डिप्रेशन से बाहर आना है, अच्छी टेक्निक है, डिप्रेशन से बाहर आना है, 21 दिन के लिए डेली 10 लाइंस लिखें लेफ्ट हैंड से राइट, जिससे आप यूज़ नहीं करते हो उस हाथ को यूज़ करो। 21 डेज आपका डिप्रेशन, ड्राइंग कर सकते हो, जो लिखना नहीं आता है उनको बोलो पेन पेपर दे दो, कलर पेन ये लो ड्रॉ करो, डेली एक कोई चीज़ ड्रॉ करो प्लेन पेपर पे, जस्ट डू द ड्राइंग। क्यों करना है ये, है ना, बताते हैं। बॉडी क्या आपकी प्यूरिफाइड है, क्या आप मेडिटेट करते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन, जब हम दोनों हाथ से लिखते हैं तो द नॉन डोमिनेंट हैंड इज एक्चुअली लिंक्ड टू द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर इन योर ब्रेन, वन इज इन एज ऑल्सो shows that when you use your dominant hand, one hemisphere of the brain is active. कहने की बात आ रही है कि जब हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, क्योंकि राइट हैंड से कनेक्टेड है हमारा लेफ्ट ब्रेन, और जब हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं हमारा राइट हेमिस्फीयर काम करता है। लोग करें, एक करें। नेक्स्ट, अब ये हमारा ब्रेन है, अब ये ब्रेन क्या है, ये राइट हेमिस्फीयर, सॉरी हाँ राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर। मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ तो सुनना, गाने सुनना, कविताएँ लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कवि जितने भी एक्टर हुए हैं यू नो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से कनेक्टेड हुए हैं, उनके अंदर पैशन बहुत होता है। कैसे अपने आप को पहचाने, यू शुड नो वेयर टू यू स्टैंड, ओके। क्रिएटिव बहुत होते हैं, उनको छोटी सी चीज़ दे दो उसको क्या से क्या कर डालते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट ही हो, वो घर में हमारी माँ भी हो सकती है, कि कल का कुछ खाना रखा है उसको उठा के कुछ नया उठा देगी और दे देगी ये लो चाइनीज खाओ, है ना, तो वो भी क्रिएटिविटी है। तो इतनी पॉजिटिव होते हैं राइट हेमिस्फीयर वाले, और यानी मतलब नई चीज़ सीखने के लिए आतुर होते हैं, हर नई चीज़ इनको जानना है, कहीं पर भी कुछ चल रहा है जाके बैठ जाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे, किताबें पढ़ेंगे, नया 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 खोज करते रहते हैं, यानी बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, ओके। पीस ऑफ माइंड, ये कैसे लोग होते हैं, इनको शांति प्रिय लोग होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी होती है यार तू भी जी मुझे भी जी, तू अपना काम कर मुझे अपना काम कर, रहे पंगा नहीं चल रही इनको जीवन में, लड़ाई झगड़ा इनको नहीं अच्छा लगता, ओके। कुदरी, जिनका ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव है वो कैसे होते हैं, वो बड़े एनालिटिकल होते हैं, उनको एनालाइज करना, उनको प्रूफ चाहिए, कोई भी चीज़ का सबूत दो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना सबूत दो, अब सबूत मांगते प्यार में कहाँ सबूत दिया जाता है भाई, लेकिन ये मांगते हैं इनको देना और इनको चाहिए। वाई, बिकॉज इनका जो ब्रेन है बहुत लॉजिकल, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होंगे ये लोग, लैंग्वेज में बहुत ही महारत हासिल किए होते हैं लेफ्ट ब्रेन वाले, ओके। सो तुमको देखना है कि तुम्हारा कौन सा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है और जो कम एक्टिव है उसको एक्टिव करना है, एंड नाउ यू नो द प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। सो साइंस कंट्रोल करना, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल, ये सारे लोग, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले जितने लोग हैं साइंटिफिक होते हैं, साइंस को समझते हैं, इनको भगवान भगवान गुरु गुरु परमात्मा से लेना देना नहीं, ये कहते सब बकवास है, दे डोंट बिलीव, नास्तिक होते हैं ज़्यादातर। लेकिन जब ये ब्रेन और ये ब्रेन दोनों एक्टिव होता है तब समझ पाते हैं कि अरे ये भी सच है और ये भी सच है, मैथमेटिक्स भी चाहिए, घर का घर 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 भी शांति में चाहिए, पैसा भी चाहिए और मेडिटेशन भी चाहिए। ये कब होता है, जब हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। बात आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताई गई है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, दोनों हाथों का इस्तेमाल। बहुत साल पहले ये टेक्निक, ये चीज़ को दबा दिया गया था, क्योंकि ज़्यादातर हमको राइट हैंड से ही काम करना सिखाया गया है, है ना। इसके पीछे कारण एक ही है कि जब तुम राइट हैंड से काम करोगे तो तुम दुखी रहोगे और रिलीजन के धंधे चलते रहेंगे। एवरी रिलीजन इज अ बिजनेस बाय द वे, ठीक है। एनीवे, सो हमको ये भी रखना है और ये भी एक्टिव करना है, क्योंकि आज आपको एक नई चीज़ बताई गई है, इसका इस्तेमाल करें। मैं जब दोबारा आऊँगी
मैं चाहती हूँ आप में से कोई तो ऐसा इंसान हो जिसने ये सचमुच प्रैक्टिस किया हो, और जब भी मैं एक दो महीने बाद फिर से अगर हम यहाँ आए, फिर से हमने वर्कशॉप रखी या सेशन रखे, देन आई वॉन्ट कि आप लोग आके हमसे मिलें, उसका रिजल्ट बताएं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, दुनिया क्या कह रही है, फिर आप दुनिया के चक्कर में नहीं फंसोगे, फिर आपकी अपनी सोच डेवलप हो चुकी होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा लगा ये सुन के? तो अपने शरीर को अच्छा रखना है, अच्छा खाना है, और जीवन में दिलचस्पी लाइए। मरे मरे नहीं जीना है, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। जरिए ढूंढो खुश रहने के लिए, जरिया ढूंढो। कैसे ढूंढोगे वो जरिया? किताबें पढ़ो, पिक्चर देखने जाओ, नए दोस्त बनाओ, कुछ नया करो, इंटरेस्ट जगाओ अपने जीवन में। तो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि अब तो ये मेरे हाथ में है, अब पहले कंट्रोल में नहीं।